चीन पर निर्भरता खत्म, अब देश में बनेंगी एमआरआई मशीनें, रंग लाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीम की मेहनत। भारत में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर बीमार लोगों के इलाज के लिए ना तो तकनीकी सुविधा है और ना ही डॉक्टर्स और हॉस्पिटल है। अगर बात करें सीटी स्कैन एमआरआई की तो इसके लिए भी मरीजों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है और काफ़ी लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा तो सिर्फ कागज़ों पर ही होती है, मरीजों को इसके लिए भी प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम ने एमआरआई मशीन बनाने में लगभग कामयाबी हासिल कर ली है और अब ये मशीनें भारत में भी बन सकेंगी। आपको बता दें कि गंभीर रोगों की जांच में अक्सर डॉक्टर एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। भारत में गरीब जनता के लिहाज से एमआरआई की फीस बहुत ज़्यादा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ प्रति 10 लाख जनसंख्या में एमआरआई मशीन का औसत 1.5 आता है, जबकि विकसित देशों में ये 10 है। मतलब हमारे यहाँ 10 लाख की जनसंख्या में 2 एमआरआई मशीन भी मुहैया नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम ने देश का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया है जो कि एमआरआई मशीन का अहम हिस्सा है। अभी तक भारत में एमआरआई मशीनों का 100% आयात होता था, खासकर चीन से। लेकिन अब इस सिस्टम के डेवलपमेंट होने से भारत में एमआरआई मशीनें बनने लगेंगी। ये स्वदेशी सिस्टम बनाया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर ने। इस पूरे अभियान की अगुवाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने की है। IUAC ने 1.5 टेस्टला सुपर कंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया है। इसे एमआरआई सिस्टम का दिल भी कहा जा सकता है। टीम की इस उपलब्धि से न केवल भारत में स्वदेशी कम लागत वाली एमआरआई मशीनें बन सकेंगी, बल्कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां पर ये मशीनें बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर इन्हें एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा का भी लाभ ले सकेंगे। एक मशीन की कीमत भारत को 2-3 करोड़ रुपये तक लगती है, इस लिहाज से देश की काफ़ी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए प्रोफेसर पांडे ने बताया, कुछ उद्यमी इसे स्वदेशी तकनीक की मदद से कमर्शियल एमआरआई मैग्नेट बनाने में रुचि ले रहे हैं। क्रायोजन फ्री तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसे जोड़कर हल्के, सस्ते और पूरे शरीर को स्कैन करने वाले ऐसे स्कैनर बन पाएंगे जिन्हें मोबाइल वैन में लगाकर गांव-गांव में भेजा जा सकेगा। इसकी वजह से ग्रामीण हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत लाभान्वित होगा। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।